Good morning, all of you. Today I shall teach class 6. Class 6 में आपको lesson 7 पढ़ाऊंगा. आज मैं आपको introduction to Microsoft Excel. सभी बच्चे ध्यान पर पढ़ेंगे. सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए. क्लास 6 में मैं आपको lesson 7 पढ़ाऊंगा जिसमें रखा introduction to Microsoft Excel. Microsoft Excel का परिचय. तो इसमें दे रखा है स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट के बारे में दे रखा है. इसमें दे रखा है स्प्रेडशीट इज ए लार्ज शीट कंटेनिंग मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रो एंड कॉलम्स. स्प्रेडशीट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग. टू यूज ए स्प्रेडशीट ऑन कंप्यूटर ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल लोटस 1, 2, 3 MS Excel etc. स्प्रीड सीट एक लार्ज सीट है. ठीक. इसमें मैट्रिक रो एंड कॉलम. इसमें रो एंड कॉलम होती है. यह प्रोवाइड करता फैसिलिटी ऑर्गेनाइज डेटा. यानी एक किसी संगठन से जुड़ा हुआ एक डेटा. जैसे एक स्कूल होता है. ठीक है. या कोई कंपनी होती है. या कोई किसी भी तरह का डेटा हो सकता है. ठीक है. रो एंड कॉलम में हमें इंफॉर्मेशन को एंटर करना होता है. जैसे स्कूल का एक एग्जांपल ले लीजिए. बच्चों का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, वो सब अपडेट करना होता है हमें एक्सेल में. इसी एक्सेल में हमें सीट बनानी होती है. जैसे सीट है, ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर है. ठीक. इसमें इस तरह से कॉलम है, इस तरह से रो है. अब इसमें दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Microsoft Excel. MS Excel is a spreadsheet package provides by Microsoft Corporation in MS Office. Excel allows you to create paper ledger like application called spreadsheet that can perform automatic calculations. MS Excel एक spreadsheet package है जो provide करता है Microsoft Corporation द्वारा. Microsoft Corporation एक कंपनी है जो MS Office में MS Excel जो प्रोवाइड करता है वो Microsoft कंपनी प्रोवाइड करती है. और MS Office में Excel जो अलाउज करता है वो क्रिएट करता है एक पेपर लेजर लाइक करता है एप्लीकेशन कॉल स्प्रेडशीट. और दैट कैन परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और ऑटोमेटिक गणनाएं करता है. ठीक है. इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. इसमें रखा फिर यूज ऑफ एक्सेल. एक्सेल का उपयोग. इन एक्सेल वी कैन स्टोर मैनी प्लेट्स एंड प्रेजेंट आवर डेटा इन ऑलमोस्ट एनी वे. एक्सेल कैन बी एन अकाउंट प्रोग्राम और सिंपली डेटाबेस. इट कैन बी यूज्ड एज ए सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला. इट कैन ऑल्सो बी ए डायरी ए शेड्यूलर एंड मोर. एक्सेल में हम कैन स्टोर करते हैं. एक्सेल में हम स्टोर करते हैं मैनिपुलेट एंड प्रेजेंट और डेटा. ठीक. जो प्रेजेंट होता है डेटा जो उसे हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं. और अकाउंट. एक्सेल जो है कैन अकाउंट प्रोग्राम कर सकता है. यानी जो भी अकाउंट से संबंधित किसी कंपनी का एम्प्लॉयर की सैलरी क्रिएट करनी है तैयार करनी है तो वो एक्सेल में बना सकते हैं. वो सब अकाउंट संबंधित होते हैं. और मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. जैसे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं वहाँ पर कैलकुलेशन फॉर्मूले यूज करने होते हैं. बच्चों के टोटल मार्क्स परसेंटेज वो सब. अब देखा इसमें स्टार्टिंग MS Excel. MS Excel को किस तरह से स्टार्ट करते हैं. तो क्लिक स्टार्ट बटन प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2003. क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर. माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो एक्सेल 2003 एक वर्जन है. क्या वर्जन है. ठीक है. कैसे वर्जन है. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज विल अपेयर ऑन द स्क्रीन विद ए ब्लैंक वर्कबुक हैविंग
थ्री वर्कशीट बाय डिफॉल्ट, द डिफॉल्ट वर्कबुक नेम इज बुक वन विच कैन बी चेंज वाइल सेविंग वर्कबुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद वर्कबुक एंड थ्री वर्कशीट बाय डिफॉल्ट होंगी, वहाँ पर थ्री वर्कशीट क्या होगी, डिफॉल्ट होंगी, ब्लैंक होंगी। जैसे यहाँ पर देखा है वर्कशीट है वन टू थ्री, तीन वर्कशीट है, यहाँ से हम फर्स्ट वर्कशीट लेंगे, उसके बाद सेकंड अगर आपको वर्कशीट बनानी है तो यह ले सकते हैं, फिर थ्री इस तरह से तो आप कार्य कर सकते हैं। उसके बाद एन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए वर्कबुक विच इज द बेसिक फाइल ऑफ एमएस एक्सेल, वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। एक्सेल डॉक्यूमेंट में एक वर्कबुक जो कि बेसिक फाइल होती है, एक्सेल डॉक्यूमेंट की एक बेसिक फाइल होती है, वर्कबुक जो फाइल होती है बेसिक होती है, वर्कबुक को जो कलेक्शन करता है वर्कशीट, इसको बोलते हैं कॉल्ड स्प्रेडशीट। फिर देखा वर्कबुक बेस वर्कशीट, ठीक, ये पूरा सॉफ्टवेयर है, यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है, एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर दे रखा, फिर आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिमम वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक इज 256, द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज डॉट xls, द मेन पार्ट ऑफ द एक्सेल स्क्रीन इज द वर्कशीट एरिया, ए ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम्स। अधिकतम जो वर्कशीट होगी एक्सेल में, वर्कशीट वर्कबुक वो 256, अधिकतम वर्कशीट जो होंगी एक्सेल वर्कबुक में वो होंगी 256। द एक्सटेंशन जो होगा एक्सेल का वो होगा डॉट xls, इसी एक्सटेंशन में हम सेव कर सकते हैं फाइल को। मेन पार्ट जो होगा एक्सेल का, वो स्क्रीन पर वर्कशीट एरिया शो करेगा, ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम, इसमें दिखाई रखा है रो एंड कॉलम होती है, कॉलम इस तरह से ये रो। उसके बाद दे रखा है इसमें द वर्कशीट इज ए ग्रिड ऑफ कॉलम एंड रो, दीज कॉलम्स एंड रो आर डिजिग्नेटेड बाय लेटर्स एंड नंबर्स, दीज लेटर्स एंड नंबर्स आर कॉल्ड लेवल्स एंड डिस्प्लेड ग्रे बटन्स अक्रॉस द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। इसमें कहा गया है वर्कशीट ये ग्रिड ऑफ कॉलम रो है, वर्कशीट जो है ग्रिड, एक ग्रिड ऑफ रो और कॉलम है। इसमें क्या होता है, जो भी वर्कशीट होती है ग्राफ लाइन होती है, उसमें ग्राफ लाइन होती है जिसमें रो एंड कॉलम आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक होती है। आप ब्लैंक करना चाहते हैं तो शीट को ब्लैंक भी कर सकते हैं और आप ग्राफ वाइज यानी ग्रिड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रो एंड कॉलम होंगे, लेटर्स एंड नंबर्स यानी अल्फाबेट लेटर्स एंड नंबर्स यूज कर सकते हैं, ये लेटर्स एंड नंबर्स और कॉल्ड लेबल्स एंड डिस्प्ले इन ग्रे बटन्स होंगे अक्रॉस द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। तो ये क्या होंगे, टॉप पर होंगे सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड में होंगे वर्कशीट के, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर इस तरह से। बच्चों आज के लिए इतना ही, आपने ध्यान पर पढ़ा होगा जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस बनाया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें हम डेटा को एंटर करते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं एक्सेल, जैसे बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करना बोलते हैं नॉमिनल सीट शेयर करते हैं, जिसमें नाम बच्चों का फादर नेम बर्थ एड्रेस पोस्ट, ये एक्सेल में इसी सॉफ्टवेयर तैयार होता है। जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो भी इसी में तैयार होता है एक्सेल में, ठीक है। जो कंपनी के जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी जो सैलरी तैयार की जाती है, कितने दिन एक एम्प्लॉयर आया कंपनी में, कितनी सैलरी है, सब वो पूरा यानी कैलकुलेशन इसी में। आज के लिए इतना बच्चों।